आपको ले चलेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इससे पहले भी जब वो गए तो सैनिक स्कूल का भी वहां पर निरीक्षण किया, अधिकारियों के संग एक अहम बैठक भी की और साथ ही साथ उन्होंने विकास की तमाम सारी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कोशिश करी है और अधिकारियों को भी उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया कि काम में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाए। तो फर्टिलाइजर कैंपस का निरीक्षण कर रहे हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ी योजना है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट साफ तौर पर कहा जा रहा है और जल्द से जल्द इसको पूरा करके फिलहाल किस तरीके से, क्योंकि रोजगार के अवसरों का भी सृजन करना है। तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री में फिलहाल इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बहुत सारी चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, निरीक्षण किया, उनके साथ खुद भी मौजूद हैं। तो आगे की किस तरीके से इस योजना को और आगे बढ़ाया जाए तो अधिकारियों के संग फिलहाल मंत्रणा जारी है। तो सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो सीएम योगी का ये गोरखपुर दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें एक साथ कई योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए लगातार अधिकारियों के संग मंत्रणा कर रहे हैं। और इससे पहले सैनिक स्कूल में भी वहां पर भी किस तरीके से उन्होंने कहा कि स्कूल भी जल्दी से जल्दी उसको शुरू कराया जाए, क्योंकि वहां पर भी जो शिक्षार्थी, जो विद्यार्थी होंगे, किस तरीके से सैन्य उनको शिक्षा दी जाएगी, उस पर भी उनका फोकस नजर आया साफ तौर पर। अब फर्टिलाइजर फैक्ट्री का, तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री के माध्यम से तमाम सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने पहले ही चुनाव के पहले भी जिक्र किया था कि इस काम को एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पहले से ही ये ले रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को देर नहीं करेंगे और जल्द से जल्द इसको शुरुआत करेंगे, मूर्त रूप देंगे और शायद इसी कड़ी में वो जो लंबित योजनाएं हैं उनको फिलहाल देंगे। विकास शाही हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विकास, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस वक्त हमने अपने दर्शकों को वो सीधी तस्वीरें भी दिखाई जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री में जब वो जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों के संग मंत्रणा करते हैं। फिलहाल किस स्तर पर काम चल रहा है वहां पर? जी आपको बता दें कि युद्ध स्तर पे फर्टिलाइजर कैंपस में जो सैनिक इसका उसका काम चल रहा है। इसके बाद सीएम गुड़धैया नाले का निरीक्षण करने पहुंचे। एक वैसा नाला जो कि काफी गंदगी का अंबार था, गंदा पानी था, लेकिन सीएम योगी ने 900 करोड़ की लागत से बनाने का उसको जिम्मेदारी दी है, जिससे उसके देने जो सुविधा है वो होगी, जल जमाव की समस्या खत्म होगी और साथ साथ जो किनारे दुकानें मिलेंगी तो लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। तो सीएम योगी की लगातार एक चीज रहती है कि शहर सुंदर हो, लोगों को रोजगार मिले, साफ सुथरा हो, इसके लिए उन्होंने 900 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं कि काम किस तक पहुंचा है और अधिकारी को निर्देश दिया है कि चाहे वो सैनिक स्कूल का जो निर्माणाधीन है वो जल्द से जल्द पूरा हो और उसके साथ जो गुड़धैया नाले का सुंदरीकरण हो रहा है वो भी जल्द से जल्द और बेहतरीन ढंग से हो। जी बिल्कुल, नाले का बात करें सौंदर्यीकरण की तो शहर को एक इस दिशा में भी काम पर फोकस है पूरा, कहीं ना कहीं विकास की शहर को किस तरीके से सुविधाएं तो हो ही साथ ही अब शहर का जो सौंदर्यीकरण हो उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस है साफ तौर पर कहा जा सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि आप रामगढ़ ताल देखिए, जैसे कि आप गोरखपुर का जुहू चौपाटी कहा जाता हो या अन्य जगह हो, वो रात में ऐसे लगता है जैसे आप किसी बहुत ही बड़े शहर में हो या मुंबई जैसे शहर में हो। उसी तरह गुड़धैया नाला जो विकास से काफी दूर था और लगातार बरसात के दिनों में देखा जाता है कि जल जमाव की समस्या होती है, इसको लेके गुड़धैया नाला एक ऐसी योजना बनाई जा रही है जिससे कि लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिले, पानी जो सीधा वहां से होते हुए रामगढ़ ताल की तरफ जाए और मोहल्ले और गलियों में जो जमा होता है वो ना हो और साथ साथ उसकी पटरियों पे दुकानें निर्मित की जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, विकास भी हो, सुंदर भी हो, रोजगार भी हो। सीएम योगी के तीनों पहलू पे काम करा रहे हैं और इसका नतीजा लग रहा है, गोरखपुर सुंदर भी दिख रहा है, स्वस्थ भी दिख रहा है और गोरखपुर में रोजगार भी दिख रहा है। जी बिल्कुल, और रोजगार से जोड़ने के तौर पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा चाहे वो फेरी वाले हों, चाहे वो अन्य छोटे व्यापारी हों, उन सबको कहीं ना कहीं पहले ही कहा जा रहा था कि एक ही छत के नीचे लाना और सबको रोजगार मुहैया कराना, ये लगातार उनकी प्राथमिकताओं में से एक है और अब वही ट्रैक, वही सारी चीजें नजर आ रही, साफ तौर पर कहा जा सकता है। विकास, योगी का साफ
उद्देश्य है कि अंतिम पायदान का व्यक्ति एक ही छत के नीचे सब आए, सबको रोजगार मिले, सबको इलाज मिले, सबको सहूलियत मिले और साथ साथ सबको वो सुविधाएं मिले जो हम आम आदमी के लिए जिंदगी में जरूरी है, शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी, रोजगार, ये सब पहलुओं पे काम कर रहे हैं कि आम आदमी के तक वो चीजें पहुंचे जो शासन की तरफ से आ रही थी, के तरह चाहे वो स्कूल बन रहा है जिसमें गरीब से लेके हर व्यक्ति का बच्चा पढ़ेगा और गोदैया नाला किनारे जो पटरी के किनारे दुकानें बनेंगी उससे सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी, फिलहाल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है जानना चाहेंगे, कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सही, इसके बाद सीएम योगी जो है वो मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे पूजा पाठ के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह जो है पूजा पाठ के बाद जनता दरबार का कार्यक्रम लगाएंगे, उसके बाद करंट का एक जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के बाद 10:30 बजे करीब वो कमिश्नरी कार्यालय पहुंचेंगे, वो जो विभाग के पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ विकास कार्यों ऊपर बैठक करेंगे, उसके बाद सीएम एक और कार्यक्रम के बाद वापस लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब फर्टिलाइजर कैंपस का निरीक्षण किया, उन्होंने अधिकारियों से मिले और उसकी व्यवस्था और किस स्तर पर है और किस तरीके में अभी कितने दिन और प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगेगा। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सैनिक स्कूल का जहां पर काम चल रहा है उसके लिए भी मुआयना किया, निरीक्षण किया और वहां पर भी आगे की चीज़ों को समझा। तो सीएम योगी का ये गोरखपुर दौरा कई मायनों में काफ़ी अहम माना जा रहा है। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, जिस तरीके से लगातार चाहे हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं फर्टिलाइजर कैंपस का, सैनिक स्कूल को लेकर के बात करें अन्य प्रोजेक्टों की, तो अब उन प्रोजेक्टों में कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि साफ तौर पर कि तेजी लानी है और सबसे पहले जो वादे किए थे चुनावी वादे कि वहां की जनता को किस तरीके से सुविधाएं मुहैया कराना, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो बुजुर्गों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात क्यों ना हो। विकास, बिल्कुल सही कहा जी आपने, सीएम योगी जब सांसद थे और अब से मुख्यमंत्री तक उनका साफ था कि हम आर आदमी जो आम आदमी है उसको सहूलियत मिले, सुविधा मिले, उसके लिए लड़ते थे और जब से वो सीएम बने हैं गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक विकास की लहर बयार बह रही है, चारों तरफ पुल हो, सड़क हो, निर्माण हो, रोजगार के अवसर हो, इसी के तहत सीएम योगी ने गोरखपुर में दो बड़ी योजनाएं दी हैं, उन्हीं का वो निरीक्षण कर रहे हैं और उसके साथ आप रामगढ़ ताल देखिए, उसके बगल में और भी जाए जीडीए के द्वारा बने जो योजनाएं हैं, मल्टीनेशनल पार्क है, लोगों के लिए जो व्यायामशाला है, स्पोर्ट्स जो वाटर स्पोर्ट्स है, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हर व्यक्ति के रोजगार, उसकी सुविधा, उसके मनोरंजन, यानी कि गोरखपुर शहर और आसपास को जोड़ने के लिए लोगों के लिए चिकित्सा की सुविधाएं हो, अपना अपना खाद के नाम से कैंप जो उत्पादन हो रहा है, तो हर तरह हर पहलू के क्षेत्र में सीएम योगी काम कर रहे हैं और इसी के तहत गोरदैया नाले और निर्माण शहर का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कोई कसर न छूट जाए, हर आम आदमी का विकास हो, भ्रष्टाचार कहीं भी ना दिखाई दे, जीरो टॉलरेंस पे काम हो और कोई भी ऐसा चूक ना हो जिससे ये काम प्रभावित हो, इसका खुद स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और उपस्थित अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे हैं तय सुम में, लागत में और बिना भ्रष्टाचार के ये काम हो। बिल्कुल, 100 दिन का एजेंडा भी इसीलिए शायद सेट किया है पहले विभागीय मंत्रियों के साथ और लगातार उस पर भी मॉनिटरिंग उनकी पूरी है और कोशिश यही है विकास, इस तरीके से सब हर विभाग के मंत्रालय को, मंत्रियों को उन्होंने 100 दिन का एजेंडा पेश किया कि किस तरीके से आप अपनी कार्य योजना है, इस कार्य योजना को आगे आप किस तरीके से बढ़ाएंगे, तो इसकी वानगी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि 100 दिन के एजेंडे में हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के बात करो, विकास के अन्य मामलों को लेकर के, चाहे वो समाज कल्याण विभाग को लेकर के हो, चिकित्सा क्षेत्र में ही क्यों ना, यानी कि फोकस हर क्षेत्र में है, सबका साथ सबका विकास जिसकी बात करती है, अब उसी दिशा में विकास, सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास भी शामिल हो गया है। बिल्कुल सही कहा लोग जी, अपने सबका साथ सबका विकास और सब और बिल्कुल पूरा प्रयास, इसके तहत योगी सरकार काम कर रही है। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दिया है, इसी के तहत सेनापति के रूप में खुद स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और एक वो दिखा रहे हैं कि जब एक मुख्यमंत्री इस तरह से स्थलीय निरीक्षण करके कामों को देख रहा है, हर विभाग का मंत्री ऐसा प्रेजेंटेशन दे, जो भी काम हो, जो भी आमजन के लिए काम हो रहे सरकारी योजना है वो आमजन के लिए पहुंचे, वहाँ पे भ्रष्टाचार न हो, समय से काम हो, गुणवत्ता पूर्वक हो, हर मंत्री खुद स्थल निरीक्षण करे और जब सीएम हर जगह जाकर निरीक्षण कर सकता है तो मंत्री क्यों नहीं। एक नजीर पेश करते हुए सीएम योगी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि लागत से, समय से और बिना भ्रष्टाचार के जल्द से जल्द काम हो और हर आदमी को निचले पायदान के जो अंतिम पायदान पे खड़ा है व्यक्ति हो उसको सुख सुविधाएं मिले, चाहे शिक्षा हो या उसको रोजगार हो, इसलिए सीएम योगी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार और इसी मिशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ते जा रहे हैं और उनके कदम
अब रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार दौरे पे दौरे, मुलाकातों का दौर भी जारी है, किस तरीके से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। विकास भी हमारे साथ लगातार गोरखपुर से बने हुए हैं, अधिकारियों के संग बैठक करी, हम सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जाए गए, अधिकारियों से भी उन्होंने मिला। विकास, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरीके से अगर बात करें तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो अधिकारियों का किस तरीके का रवैया है, क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री इस योजना को जिस तरीके से आए, उन्होंने दौरा किया, अधिकारियों से निरीक्षण भी किया, बातचीत भी की और उनको निर्देश भी दे दिया, लेकिन अब करना जो है काम, योजना जो है किस तरीके को ट्रैक देना है, वो अधिकारियों के भी हाथ में बहुत कुछ है, तो अधिकारियों से भी तो तमाम अधिकारियों से आपने बात की होगी, उनका किस तरीके का रवैया, उनमें कुछ बदलाव आया या नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा कि राणा की पुतली फिरी नहीं चेतक मुंह जाता था, उस सच में गोरखपुर के अधिकारी काम करते हैं, सीएम योगी की निगाहें हिली नहीं, उस प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए काम शुरू कर देते हैं। सारे अधिकारी जैसे ही सीएम का आदेश होता है, तल्लीनता से, चाहे कमिश्नर हो, डीएम हो, या कानून व्यवस्था के लिए एडीजी हो, डीआईजी हो, कप्तान हो, सब लगे रहते हैं कि विकास की योजना हो या कानून व्यवस्था हो, पूरी सुधर हो, क्योंकि कोई भी कमी रह जाती है तो आम जनता के लिए जनता दरबार लगता है, सुबह अपनी एप्लीकेशन लेके पेश हो जाता है, सीएम योगी का दरबार सुबह से खुला रहता है, हर आम आदमी निर्भीक बेखौफ होकर अपनी फरियाद लेके उन तक पहुंच सकता है और सीएम योगी सबकी फरियाद बारी बारी से सुनते हैं। इसके लिए अधिकारी यहाँ बिल्कुल बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, बिल्कुल योगी की जो वो काम है, जो उनका उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए जी जान से अधिकारी यहाँ जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, जी जान से जुटे हुए हैं, सैनिक स्कूल का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की, और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने, हम अपने दर्शकों को फिलहाल सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री के दौरे का पल पल का अपडेट, फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी का ये दौरा, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।